नदीम जावेद साहब हमारे दूसरे प्रमुख वक्ता, जौनपुर यूपी से विधायक और पूर्व एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, आपका भी हम यहां पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय विश्वनाथ कराज जी, भाई राहुल कराज जी, वाइस चांसलर डेका साहब, प्रख्यात गांधीवादी आदरणीय राम सिंह जी, नीलेश भाई मेरे दोस्त और साथी और भाई जिनकी मोहब्बत में मैं यहाँ चला आया, नूरुद्दीन भाई, सत्यजीत तांबे हमारे छोटे भाई, अरुण भाई जो एमएलए हैं यूपी से आए हैं मेरे बगल के ज़िले से, राहुल भाई, यहाँ पर मौजूद बुज़ुर्गों की तादाद तो बहुत कम है, मुल्क के मालिकों, नौजवान दोस्तों, विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझको इस विषय पर बात करने के लिए कहा गया। मैं यहाँ पर एमएलए की हैसियत से भी नहीं आया हूँ और यहाँ पर मैं एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से भी नहीं आया हूँ। मैं 16 साल हॉस्टल में रहा और तकरीबन 12 साल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा और स्टूडेंट एक्टिविस्ट की हैसियत से, स्टूडेंट सिपाही की हैसियत से आपके बीच में हाजिर हुआ और डिस्ट्रिक्ट यूनिट से लेकर नेशनल लेवल पर जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, उसको हेड करने का एक कार्यकर्ता के रूप में मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और न केवल एनएसयूआई को बल्कि जो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते हैं और अब तो हिंदुस्तान में बहुत कम जगहों पर बचे और ख़ासतौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता है और जिसमें यह समझा जाता है कि देश का जो सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल क्लास है वो स्टीफेंस कॉलेज हो, हिंदू हो, एसआरसीसी हो, रामदास हो, मिरांडा हाउस हो, या इस तरह के जितने कॉलेजेस हैं जहाँ पे कट ऑफ लिस्ट 95-98% जाती है, उन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में सम्मिलित होते हैं। तो उनमें भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का सौभाग्य रहा। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि ये समझा जाता है कि इस देश के अंदर इंटेलेक्चुअल्स का जो सचमुच का सेंटर है, 4000 स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ता है लेकिन सचमुच एक बड़ा सेंटर है, वहां पे भी काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन स्टूडेंट मूवमेंट पिछले वर्षों में कमजोर पड़ा है और उसका जो मेन कारण रहा है वो ये रहा है कि छात्र संघ के चुनाव पे बहुत सारी जगहों पे लिंगदो की सिफारिशों के बाद पाबंदी लग गई। पाबंदी लगने के बाद जिस तरह का स्टूडेंट मूवमेंट पिछले 10-12 वर्षों में होना चाहिए था इस देश के अंदर, उस तरह का स्टूडेंट मूवमेंट हुआ नहीं। और उसी जमाने में मुझे याद है राहुल भाई आप मिले थे, राहुल गांधी जी इंचार्ज बने थे हमारे और राहुल भाई आए थे और उन्होंने उस समय मुझसे कहा था कि इस तरह का एक इंस्टीट्यूशन हम बनाना चाहते हैं। तो सच्ची बात यह है कि हमारी भी समझ में नहीं आया कि ये किस तरह का इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, क्या ख्वाब क्या है, बनाना क्या चाहते हैं, मकसद क्या है, करेंगे किस तरह से, लीडरशिप को कहां से लाएंगे। लेकिन मुझे आज देख के खुशी होती है कि पूरे हिंदुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक के छात्रों को आपने इकट्ठा किया है और एक विजनरी लीडरशिप देने का काम किया। कहते भाई विजनरी लीडरशिप होती क्या है, विजन क्या होता है? विजन वो होता है कि व्यक्ति अपनी आंख से आने वाले समय को पहचान ले, आने वाला समय क्या है, आने वाला भारत क्या है, आने वाला राज्य क्या है, आने वाला राजनीति क्या है, उसको पहचान ले। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, इस तरह का कहीं मैंने पूरे देश में घूमता हूं कहीं देखा नहीं। और आप ही के हवाले से एक शेर भी मुझे बड़ा खूबसूरत याद आ रहा है, वो सुनाते हुए बात को बढ़ाऊंगा कि हो जिसके पाँव में ताकत वो चल के रहता है, हो जिसके पाँव में ताकत वो चल के रहता है, जमाना लाग गिराए संभल के रहता है, वो जिस चिराग में ताकत हो लौ बढ़ाने की, हवाएं कितना बुझाएं वो जल के रहता है। हिंदुस्तान बहुत अलग तरह का मुल्क है, इस देश में हर 50 किलोमीटर पर जुबान बदलती है, इस देश में हर 500 किलोमीटर पर शक्लें बदलती हैं, हर राज्य में एक देश बसता है और यह देश इकट्ठा है और उस इकट्ठा होने का जो मूल कारण है मैं समझता हूं वो लोकतंत्र है, वो जमहूरियत है और जमहूरियत की वजह से यह मुल्क इकट्ठा है। आसपास के बहुत सारे देश हैं, हमारे साथ पाकिस्तान बना, वहां की जमहूरियत के, वहां के लोकतंत्र के हालात आप जानते हैं, अफगानिस्तान है, सारे अरब राष्ट्र हैं, आसपास चाइना है, तरक्की में बड़ा नाम है चाइना का, लेकिन वहां पर 2 दशक पहले वहां की स्टूडेंट्स ने एक बड़ा मूवमेंट चलाया था कि यहां पे जमहूरियत आनी चाहिए, यहां पे डेमोक्रेसी आनी चाहिए, यहां पे लोकतंत्र आना चाहिए,
मगर वो लोकतंत्र वहां नहीं आया, उनके ऊपर टैंक से हमला किया गया था और टैंक से दबा दिया गया। लेकिन इस देश में जमहूरियत है, इस देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र होने की वजह से हम अपनी बात को यहां भी रखते हैं और वोट के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव पंचायत से लेकर लोकसभा तक करने का काम करते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र आया क्यों? आजादी के आंदोलन में, फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी ने सोचा था, और गांधी के साथ जो तमाम लोग थे उन्होंने ये सोचा था कि इस देश को अगर बचाना है और संभाल के रखना है तो एक रास्ता है, रास्ता जमहूरियत का है, रास्ता डेमोक्रेसी का है। बहुत सारे लोग इख्तलाफ कर रहे थे उस समय भी, बहुत सारे लोग कहते थे कि यहां पे लोकतंत्र नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत परिपक्व राष्ट्र नहीं है, जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए तैयार नहीं है। और अल्लामा इकबाल का शेर जो कोई सुना रहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अल्लामा इकबाल ने लिखा कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें लोगों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। ये मुल्क तैयार नहीं है जमहूरियत के लिए। लेकिन गांधी ने कहा नहीं, इस देश में जमहूरियत होनी चाहिए, और वही रास्ता है, और इस मुल्क में जमहूरियत आई, जिसकी वजह से हम सब जिंदा हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क इकट्ठा है, जिसकी वजह से हम सब मिलकर आज़ादी की सांस ले रहे हैं। जमहूरियत को मजबूत करने की बात है और नौजवानों की भागीदारी की बात है, लेकिन चूंकि गांधी की प्रतिमा आपने लगा रखी है इसलिए मुझे दो चार बातें, मैं तो तैयार करके कुछ और आया था लेकिन मैं अलग से बात कर रहा हूं। गांधी ने एक नया रास्ता दिखाया था, और गांधी ने रास्ता यह दिखाया था कि तमाम दुनिया में जो आंदोलन हो रहे थे, और गांधीवादी बैठे हुए हैं आराम सिंह जी, कि गांधी ने एक रास्ता दिखाया कि हथियार के बगैर भी कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, क्रांति के एक ऐसी क्रांति जो शस्त्र से नहीं होगी, एक ऐसी क्रांति जो असलहे से नहीं होगी, एक ऐसा आंदोलन जो जनता खड़ा करेगी, महात्मा गांधी ने किया था। बिहार से लोग आए होंगे, चंपारण आज भी है, 1917 में सोवियत रूस में क्रांति हो रही थी साम्यवादियों की, और 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण के गांव से इस देश को आजाद कराने का पहला मूवमेंट खड़ा किया था। और 1942 का जब आंदोलन हुआ तो हिंदुस्तान के तमाम छात्र, नौजवान, किसान, नौजवानों की बड़ी तादाद थी, छात्रों की बड़ी तादाद थी जो आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ जुड़े। हो सकता है कि बुजुर्ग नेतृत्व रहा हो, लेकिन महात्मा गांधी को ताकत देने का काम अगर किसी ने किया था तो नौजवानों ने किया था। आजादी के बाद हालात बदले, और सच्ची बात यह है कि आजादी के बाद अगर किसी व्यक्ति ने ईमानदारी के साथ इस देश में छात्रों को और नौजवानों को अधिकार देने का काम किया तो वह राजीव गांधी ने किया था, और इसलिए किया था, और उसको हवाले से कहता हूं, इसलिए किया था राजीव गांधी ने कि पंचायतों में आरक्षण दिया महिलाओं को, 50% आरक्षण। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को समझा, विजनरी लीडरशिप जिसको मैं कह रहा था कि वो आंख थी जो आने वाले हिंदुस्तान को पढ़ रही थी, वो सोच थी जो देख रही थी कि क्या होगा। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी ले आए, ये कंप्यूटर फोन, ये कंप्यूटर, ये मोबाइल फोन, ये इंटरनेट, राजीव गांधी की देन। लेकिन 89 के बाद, और विशेष रूप से राजीव गांधी जी की शहादत के बाद, तीन वजहों से मैं समझता हूं जो बुनियादी वजहें हैं जिनकी वजह से इस देश के अंदर जो नौजवानों की भागीदारी है और छात्रों की भागीदारी है वो कम हुई है। और वो तीन कारण है, नंबर एक जातिवाद जिसका शिकार लगभग पूरा देश हो गया है, दूसरी है सांप्रदायिकता, और तीसरी है क्षेत्रवाद। और सांप्रदायिकता से बात शुरू करता हूं। राजीव गांधी के बाद जब इस लगा कि इस देश के अंदर नौजवानों का सशक्तिकरण होगा, छात्रों का सशक्तिकरण होगा, सत्ता में उनकी भारी गरीदारी मजबूती के साथ होगी, तो क्या हुआ, पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर फैल गया। और मैं वहीं से आता हूं जिसका जिक्र अभी भाई कर रहे थे, अयोध्या हमारे यहां से 50 किलोमीटर पे है, अयोध्या शहर के अंदर कभी सांप्रदायिक शक्तियां जीतती नहीं है, वो लोग जिन्होंने अयोध्या में नफरत फैलाई वो कभी चुनाव ना विधानसभा का जीतते हैं ना लोकसभा का जीतते हैं। और उसी अयोध्या शहर में अशफाकुल्ला खान ने हंसते हुए फांसी के फंदे को चुमा था, और अशफाकुल्ला खान ने यह दुआ की थी कि परवरदिगार अगर दोबारा पैदा करना तो इसी धरती पर, इसी सरजमीन पर पैदा करना, ताकि अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ सकूं, सांप्रदायिकता के खिलाफ। भगत सिंह
22-23 साल का नौजवान फांसी के फंदे पर चढ़ा था। मैं इसलिए बात को कह रहा हूं, नेतृत्व की बात कर रहा हूं। भाई ने हमारे कहा है कि विषय है यंग इंडिया और ओल्ड लीडरशिप, उसी पे आ रहा हूं, विषय पे ही आ रहा हूं। इसलिए कि ये सारे लोग जिनके हवाले से मैं बात कर रहा हूं, ये सारे लीडरशिप है, ये हमारे आइडियल और रोल मॉडल होने चाहिए। भगत सिंह 22 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे चढ़े थे, तो भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा था कि माँ, मैं तुमसे निवेदन करता हूं, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि तुम हंसते हुए यहां से जाओ। और नौजवान बेटे को फांसी पर चढ़ता हुआ देखकर, यह ऐतिहासिक सत्य है कि भगत सिंह की मां बाहर हंसते हुए निकली थी। तो हिंदुस्तान का कंपोजिट कल्चर है, हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है। तो सांप्रदायिक शक्तियों ने इस्तेमाल किया युवा शक्ति का, छात्र शक्ति का, और उसमें नौजवानों को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों को जरूर हासिल हो गया। क्षेत्रवाद के नाम पे कुछ नेतृत्व पैदा हुए। आसाम का हवाला देता हूं, अभी कोई साथी थे, प्रफुल्ल कुमार महंता के नेतृत्व में सरकार बनी। वहां पे एक ऐसा आंदोलन था जो विश्वविद्यालय से निकला था। प्रफुल्ल कुमार महंता विश्वविद्यालय से निकल के सीधे राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कोई विचार नहीं था, कोई भागीदारी की बात नहीं थी, नौजवानों को जोड़ने का कोई संकल्प नहीं था, इसलिए वो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। और इसी तरह से जो जातिवादी आंदोलन हुए, वो जातिवादी आंदोलन में भी कुछ लोग तो निकल के आए, लेकिन मजबूती के साथ एक बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हो पाया। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अभी शबाना आजमी जी बोल रही थी तो वो कह रही थी कि दिल्ली में इतना बड़ा पिछले दिनों जो हादसा हुआ उसके चलते इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, वो आंदोलन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था। सिर्फ 50 लड़के थे जो क्षमा लेके निकले थे, और उन्होंने कहा था कि जो कुछ हुआ है गलत है, इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, इसके खिलाफ मजबूती से आवाज को उठाना पड़ेगा। और उसकी वजह से धीरे 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 पूरे दिल्ली शहर और फिर पूरा देश एक साथ इकट्ठा हो गया। एक ऐसा आंदोलन जिसमें कोई राजनीतिक दर्शन नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई राजनीतिक बिरादरी नहीं, कोई नेतृत्व नहीं, कोई मीडिया फुटेज खाने वाले लोग नहीं, लेकिन नौजवानों का संकल्प था कि बदलाव करना है, नौजवानों का संकल्प था कि व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना है, नौजवानों का संकल्प था विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के नौजवानों का संकल्प था कि बदलाव करेंगे। तो उन्होंने पूरी व्यवस्था को अपने सामने खड़ा कर दिया और बदलाव की दिशा में बढ़ने लगे। इसलिए यह कहना कि पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर गया है, मैं समझता हूं पॉलिटिकल सिस्टम को नए सिरे से खड़ा करने की जरूरत है, उसमें भागीदारी करने की जरूरत है, उसमें सही लोगों को चयन करने की जरूरत है, उनके अधिकार की लड़ाई के साथ खड़े होने की जरूरत है। और अगर हम खड़े हो पाएंगे तो मैं समझता हूं कि सत्ता में जो भागीदारी की बात हो रही है, विषय की बात यही है कि सत्ता के अंदर, सिस्टम के अंदर, व्यवस्था के अंदर आपको हिस्सेदारी और भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने जिम्मेदारी के साथ जिस तरह से पिछले दिनों ताकत दिखाई है देश के अंदर, अगर आपने काम किया तो निश्चित रूप से आपको भागीदारी और हिस्सेदारी मिलेगी। मैं एक बार फिर, चूंकि समय की बंदिश दे रखी है आपने, मैं राहुल भाई को एक बार फिर बहुत बधाई देता हूं। पूरे देश से छात्र समुदाय आया हुआ है, आप ही भविष्य के नेता हैं, और आप ही को तय करना है भविष्य की राजनीति को और इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को, न केवल राष्ट्र में बल्कि अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों में। हर व्यक्ति ईमानदारी के साथ खड़ा हो जाए और इस जज्बे के साथ खड़ा हो जाए, इस सोच के साथ खड़ा हो जाए, इस दीवानगी और जुनून के साथ खड़ा हो जाए कि हां बदलाव करना है। मैं जहां हूं, मैं जिस स्थिति में हूं, मैं जिन हालात में हूं, मैं जिन मुश्किलात में हूं, मैं हर हालत में अपने आंदोलन की लड़ाई, अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ूंगा। मुझे लगता है कि अगर इस दिशा में हमने काम किया तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि इस देश के अंदर एक बड़ा छात्र युवा आंदोलन हम खड़ा कर पाने में कामयाब होंगे। और वो ऐसा छात्र युवा आंदोलन होगा जो इस देश की तस्वीर को और इस देश की तकदीर को बदलने का काम करेगा। चूंकि गांधी जी हमारे, कोई भी आंदोलन बगैर विचार के नहीं चलता, गांधी से बड़ी प्रेरणा कोई हो नहीं सकती। मंडेला साहब जब 26 साल के बाद साउथ अफ्रीका से निकले थे जेल से, तो मंडेला मुस्कुरा रहे थे। तो मंडेला से पूछा गया कि 26 साल जेल में काटे आपने, काले बाल थे सफेद हो गए, जेल के बाहर आप आ गए, जवानी आपने जाया कर दी जेल के अंदर, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है तो उसका राज क्या है? तो मंडेला ने कहा था कि भारत एक देश है, उस देश में एक व्यक्ति पैदा हुआ था, उसका नाम गांधी था,
मैं गांधी से प्रेरणा लेता हूं और गांधी को देखता हूं तो मेरे चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट आती है और दूसरा कुछ नहीं आता। अभी सूखी आई थी और शायद आपके यहां भी आने वाली होंगी, मैंने देखा था बर्मा से, तो सूखी ने कहा कि मैंने इतना बड़ा बर्मा में जो लोकतंत्र का आंदोलन खड़ा किया है वो लोकतंत्र का आंदोलन गांधी से प्रेरणा लेके किया है। इसलिए मैं मित्रों उम्मीद करता हूं कि गांधी के विचारों से प्रभावित होके, गांधी के विचारों से प्रेरणा लेके हम तमाम साथी ये संकल्प लें कि इस देश के अंदर, अपने जिले के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर हम जिम्मेदारी के साथ बदलाव करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बदलाव बहुत जल्द दिखाई देगा। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं, अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबके घर में खुशी हो, सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो, सौहार्द हो। खुदा करे कि हमारी भी खुशी आपको लग जाए। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं। जावेद अख्तर साहब की एक बड़ी मशहूर नज्म है, शबाना आजमी साहिबा चली गई वरना मैं उनके सामने ज़रूर सुनाता। जावेद साहब की बड़ी मशहूर नज्म है और उस नज्म को सुनाते हुए बात को समाप्त करता हूँ कि एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो, एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो, तुम क्या मानो। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे, ये सबकी तरफ इशारा है। राहुल भाई आपने भी कहा था, वैसी से लेकर और बाकी जितने लोग हैं सबकी तरफ इशारा है कि एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो, तुम क्या मानो। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे, वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं राम राज्य में जैसा हुआ था वैसा हो, वो कहते हैं कि हंगामा होता है तो होने दो। एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। जय हिंद। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद जावेद साहब।